गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अवर फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन तो हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में अब तक पढ़े न्यूट्रिशन इन प्लान्ट के बारे में अब तक पढ़े तो so, अब से हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसा हो रहा यानी हम में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर ये बात हमारा को मालूम है कि हमारा डायजेस्टिव सिस्टम इतना आसान नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमारा सो डिफ़रेंट पार्ट्स आर इन्वाल्व एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बाई यूजिंग वेरियस डाइजेस्टिव एनजाइम्स एंड जूसेस सो खाना हम हमारे मुँह मुँह में लेने से लेने तक अंदर हमारे स्टमक में जाने तक लेने से लेके हमारे अंदर स्टमक में जाने तक बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व सिंपल दिखता बहुत अपन खाना खाते डाइजेस्ट डाइजेस्ट होता बस लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि डाइजेस्ट होता कैसे ठीक है ना कितने कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है कितने डाइजेस्टिव जूसेस हमारे मुंह में से लेके हमारे पेट हमारे स्टमक तक जाने तक उसका जो सफ़र है वो खाने का उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स इसमें मिले हुए हैं सो लेट ऑब्जर्व द फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फिगर ऑब्जर्व करो सब लोग स्क्रीन पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा ना देखो माउथ फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है सलाईवरी ग्लैंड है नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा सलाईवरी ग्लैंड थर्ड पार्ट इज द ईसोफेगस ईसोफेगस माउथ माउथ से फिर सलाइवरी ग्लैंड देन वो जो पाइप दिख रहा है ना वो पाइप क्या है ईसो फिर ईसो लार्ज इंटस्टाइन स्मॉल इंटस्टाइन रेक्टम एनस इसके बीच में स्टमक है फिर स्टमक पैंक्रियास लिवर ठीक है ना स्टमक देखो हमारा स्टमक पैंक्रियास एंड लिवर हमारे स्टमक के थोड़ा नीचे पैंक्रियास है उसके राइट साइड को लीवर हमारे स्टमक को राइट साइड में कौन है लीवर है हमारा फिर नीचे आते ही लार्ज इंस्टा लार्ज इंटस्टाइन है फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कौन है स्मॉल इंटस्टाइन देन रेक्टम देन एनस तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम द एलीमेंटरी केनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस ठीक है ना लॉन्ग ट्यूब है कहाँ से स्टार्ट हो रही है माउथ से स्टार्ट हो रही है हमारी ट्यूब और एंड कहाँ हो रही है एन एस को वी कैन सी दैट दिस ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इतने पार्ट्स देखें हम ये हर पार्ट का अपना अपना फंक्शन है वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड which हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक है ना हम डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाते सारे ही किससे खाते है? हम हमारे मुंह से खाते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक से पास होना है उसको इट ऑल्सो हैज टू बी कन्वर्टेड टू सब्सटेंसेज स्मॉल इनफ टू बी यूटिलाइज बाई आवर बॉडी तो जैसा हम खाते हैं वो वैसे ही अंदर नहीं जाते ना दे हैव टू कन्वर्ट इन टू स्मॉल माइन्यूट सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना रहता बॉडी को तो ही हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती दिस नीड्स वेरियस प्रोसेस दैट कैन बी स्टडीड एज फॉलोअर्स ठीक है ना देखेंगे हम क्या क्या प्रोसेस है पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री केनॉल और गट पैसेज यानी जो फूड हम ले रहे हैं वो कैसे पास हो रहा हमारे एलिमेंट्री केनॉल को और एक नाम क्या है गट भी बोलते हैं हमारे एलिमेंट्री केनाल को क्या बोलते हैं गट फूड इज कट एंड क्रश्ड बाई अवर टीथ इन द माउथ एंड मिक्सड विथ सलाइवा टू मेक इट वेट एंड स्लिपरी लंब कॉल्ड बोलस दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैस्टिकेशन ध्यान से देखो माँ प्लीज़ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अब तक हम प्लांट्स के बारे में पढ़े चल गया लेकिन अब क्या है ये हमारी बॉडी के ही बारे में हम पढ़ रहे इंटरेस्टिंग भी रहता साथ ही नॉलेज भी मिलती है हमको तो पहले जब हम फूड हमारे माउथ में यानी हमारे मुंह में ले रहे तो हम पहले क्या करते च्यूइंग यानी चूइंग किससे करते हैं? हम लोग टीथ से हमारे दांतों को इस्तेमाल करते हुए हम पहले च्यू करते पूरा खाना जो भी है च्यू करते वो च्यू होते वक्त किससे मिक्स हो रहा हमारा खाना सलाइवा सलाइवा से मिक्स हो रहा ठीक है ना तो उससे क्या हो रहा सलाइवा से मिक्स होने से हमारा खाना थोड़ा बहुत वेट हो जाता और स्लिपरी तो हम मुँह में जो खाना हम जो चाबते वक्त हमारे मुँह में जो खाना रह जा रहा उसको क्या बोल रहे बोलस क्या बोलते हैं उसको बोलस ठीक है ना ये जो प्रोसेस है मुंह में खाना लेना दांतों से चबाना ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं मैस्टिकेशन ये सिर्फ मुंह में हो रहा ठीक है ना अभी आगे नहीं बढ़े हम तो जो फूड दैट इज़ क्रश्ड बाय आवर टीथ फूड दैट इज़ क्रश्ड बाय आवर टीथ एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा दिस इज़ कॉल्ड एज द बोलस ठीक है ना दिस इज़ कॉल्ड एज अ बोलस सॉरी वेरी सॉरी सॉरी ठीक है ना तो क्या बोल रहे हैं हम लोग फूड जो क्रश हो गया फूड जो क्रश हो गया उसको आ, वो फिर किससे मिक्स हो जा रहा सलाइवा से तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हो गया तो इसको क्या बोल रहे हैं हम बोलस सो दिस बोलस इज़ क्या है दिस बोलस इज सूटेबल टू पास थ्रू ईसोफेगस अब वो बहुत थोड़ा बहुत ग्राइंड हो गया टीथ की मदद से ग्राइंड हो गया और थोड़ा सा वेट भी हो गया तो अब ये हमारे ईसोफेगस से पास हो सकता क्यों हमारा ईसोफेगस देखिए कितना नाजुक है देखिए पाइप ये बहुत बहुत बाहरी यानी बहुत थिन पाइप रहता है तो इसको क्या है फुट को जाने में तकलीफ होती तो इसीलिए पहले ये हमारी बॉडी में सॉरी हमारे माउथ में जो है ग्राइंड हो जाता तो सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में जो भी सलाइवा है वो कहाँ से सेक्रेट हो रहा सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारे पास फर्स्ट पेयर pair, कितने पेर्स है थ्री पेर्स थ्री पेड़ यानी सिक्स तो फर्स्ट पेयर इज़ लोकेटेड द साइड ऑफ द जॉ कॉल्ड एज अ सब मैंड ठीक है ना साइड ऑफ द जॉ यानी ये जो हमारे जॉस यानी जो हम क्या बोलते हैं ये टीत के नीचे के हिस्से जो है वहाँ पर एक पेयर है सेकेंड पेयर इज लोकेटेड बिलो द टंग ठीक है ना हमारी टंग के नीचे सेकेंड पेयर है इसको क्या बोलते हैं सब लिंगल क्या बोलते हैं इसको सब लिंगल एंड द थर्ड पेयर इज लोकेटेड द साइड ऑफ द ईयर थर्ड पेयर कहाँ है हमारे साइड के ईयर्स के साइड में है यह ग्लैंड को क्या बोल रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा मेनली कंटेन्स एन एंजाइम अमाइलेस विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टू सिंपल वंस दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इन टू सिंपल सब्सटैंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड अब्जॉर्ब द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन ठीक है ना क्या होता है आप सलाइवा क्या करता है सलाइवा में कौन सी एंजाइम है अमाइलेस अमाइलेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टियालिन सलाइवा मेनली कंटेन्स एन एंजाइम अमाइलेस अमाइलेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टियालिन पी साइलेंट यहाँ पे तो ये अमाइलेस क्या कर रहा है इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे रहते जो फूड हम माउथ से ले रहे हैं वो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स रहते तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्प्लेक्स रहते कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल में कौन चेंज कर रहे हैं अमाइलेस अमाइलेज कहाँ है सलाइवा सलेवा कहाँ है हमारे मौत में तो ये प्रोसेस दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन सिंपल सिंपल है डेफिनेशन समझ में आ जाना पड़ता ही क्या है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस राइट हम जो खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में माउथ में आते ही सिंपल बन जा रहे हैं तो ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं डाइजेशन द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड एंड पुशिंग इट इनटू द नेक्स्ट पार्ट द लोअर जॉ आल्सो हेल्प्स इन द होल प्रोसेस कौन हेल्प कर है प्रोसेस में टंग टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड ठीक है ना एंड पुशिंग इट इनटू द नेक्स्ट पार्ट यानी ई सो फेगस में कौन पुश कर रहे फूड uh, को अंदर टंग वी कैन फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ सलाइवरी अमाइलेस ऑन कार्बोहाइड्रेट्स टू ऑब्जर्व वॉट माइट बी हैपनिंग इन टू अवर माउथ the soft food mixed with saliva passes through esophagus or food pipe by wave-like movements called peristaltic movement to the stomach, ठीक है ना तो अब जो माउथ में सलाइवा से मिक्स हो गया हुआ फूड है वो अंदर हमारे पाइप में कैसे मूव हो रहा कौन से मूवमेंट्स है वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ठीक है ना पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता फूड एट द स्टमक फूड गेट्स छोन्ड विद ग्रै गैस्ट्रिक जूस एंड हेच सी एल जैसे ही फूड पाइप ईसोफेगस से पास होके स्टमक में एंटर हो रहा एंटर होते ही वहाँ पर कौन मिल रहा है उन लोगों को गैस्ट्रिक जूस और हेच सी एल फूड जैसे ही स्टमक में एंटर होता फूड को कौन वहाँ पर मिल रहे गैस्ट्रिक जूस और हेच सी एल कम्बाइन हो जाते हैं वहाँ फूड के साथ नो द फूड इज सेमी सॉलिड कंडीशन जैसे ही गैस्ट्रिक जूस और हेच सी एल कम्बाइन हो रहे फूड के साथ ये फूड क्या बन जाता है आप सेमी सॉलिड ठीक है ना सॉलिड नहीं लिक्विड नहीं सेमी सॉलिड द डाइजेशन ऑफ फूड गोज ऑन एज मोस्ट प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन ठीक है ना अब वो फूड में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होके फर्दर डाइजेशन हो रहा तो कौन सी एंजाइम हेल्प कर रही है प्रोटीन्स को अब्जॉर्ब करने में पेप्सिन ठीक है ना पेप्सिन क्या करती वो जो भी फूड मटेरियल अब स्टमक में आया वो फूड मटेरियल से प्रोटीन्स को निकाल लेती थी बाहर ठीक है ना तो फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट स्लाइमी सब्सटेंसेस वेयर सम प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैव ऑलरेडी बीन ब्रोकन डाउन इज कॉल्ड काइन ठीक है ना तो ये बॉडी बॉडी के अंदर फूड जब माउथ में था हमारे मुंह में था तो वो फूड को क्या बोले हम बोलस जैसे ही इन्हें स्टमक में एंटर हुआ वहाँ पर डाइजेशन हो गया तो ये फूड को अब हम क्या बोल रहे हैं काइम नाउ द फूड मेटीरियल पासिस फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या हो रहा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटर हो रहा कौन फूड मेटीरियल हियर द रिंग लाइक मजल्स कॉल पाइलोरिक्स पिंचर्स रिलैक्स टू ओपन द पैसेज पासज द स्मॉल इंटेस्टाइन अब यहाँ पे चलो फूड आ रहा अंदर बोल के रिंग लाइक मजल्स रहते हैं हमारे कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक्स पिंचर्स बोल रहे हैं इन लोग क्या हो जाते रिलैक्स हो जाते क्यों क्योंकि फूड अब कहाँ जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में द स्पिंच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ओपनिंग ऑफ द पैसेज सच दैट ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द फूड मटीरियल मे बी पास इंट द स्मॉल इंटस्टाइन एट ए टाइम ठीक है ना क्या करते हैं लॉस पिंच सिर्फ थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके भेजते खाने को स्टमक स्टमक uh, से स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा नहीं हो जाना सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके भेजते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल ठीक है ना स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट यानी बहुत ज्यादा लंबी रहती है ट्यूब इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट इज कॉल्ड डिओडीनम इट इज द साइट ऑफ फर्दर डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स ठीक है ना अब आप कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन अब कहाँ पे हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में इट रिसीव्स द सेक्रिएशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पज दिस जूसेस रेंडर द इंटरनल कंडीशन ऑफ द इंटेस्टाइन ग्रेजुअली टू ए बेसिक और अल्कनाइन वन ठीक है ना क्या करता है ये अब स्मॉल इंटस्टाइन लिवर से लिवर से क्या होता है हम आपको बाइल जूस ठीक है ना बाइल जूस और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस इन दोनों से जूसेस ले कर वो जो फूड है उसका इंटरनल कंडीशन यानी ये फूड एसिडिक है या बेसिक है या एल्कनाइन नॉर्मल है ये कौन बताते हैं स्मॉल

फ्रॉम द लिवर तो ये प्रोसेस क्या बोल रहे है एमल्सिक एमल्सिफिकेशन फैट्स के डाइजेशन को क्या बोल रहे एमल्सिफिकेशन फैट्स को कौन डाइजेस्ट कर रहे हैं बाइल जूस बाइल जूस कहाँ है लीवर से आ रहा लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है ना अब देखिए पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीटेड फ्रॉम पैंक्रियाज कंटेंस एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन ठीक है ना पैंक्रियाटिक जूस कहाँ पे आ रहा है कहाँ से आ रहा पैंक्रियाज से आ रहा ये पैंक्रियाटिक जूस में क्या है एंजाइम कौन सी एंजाइम है ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या कर रही है एंजाइम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर फैट्स ठीक है ना? प्रोटीन्स का डाइजेशन कौन कर रहे हैं ट्रिप्सिन किस में है ये ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है पैंक्रियास ठीक है ना अब फैट्स फैट्स भी डाइजेस्टेबल uh, के बोल रहे हैं हम तो ये डाइजेस्ट को कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है अब फैट्स के लाइपेज एंजाइम ठीक है ना वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस कॉल सक्कस एंटरिकस ठीक है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है यानी जो दीवारें हैं अंदर की उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को क्या लगे हुआ रहता यानी कौन सी एंजाइम रहती कौन सा जूस रहता वहाँ पे सक्कस एंटरिकस ये सारा प्रोसेस ये सक्कस एंटरिकस के अंडर में होता सो दिस प्रोसेस फर्दर दैट इज स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू फॉर द स्मॉलर मॉलीक्यूल्स ठीक है ना स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते द सेम इज द कंडीशन विथ फैट्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन द माउथ एंड डिड नॉट अकर इन द स्टमक रेज्यूम्स नोम अ मीडियम ग्रेजुअली चेंजेस टू द एल्काइन वन एंड एनजाइम्स बिका एम एक्टिव फॉर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन ठीक है ना यह सारा uh, क्या हो हाँ जाता है हल्लू हल्लू धीरे धीरे से पहले प्रोटीन डाइजेशन देन फैट डाइजेशन देन कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते ठीक है ना तो इस सहारे में क्या है एंजाइम्स इन्वॉल्व है जूसेस और एंजाइम्स इन्वॉल्व है आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी कुछ भी अगर डाउट है तो मुझसे पूछिए प्लीज़ आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू